गाइस, दिस इज भावना एंड वेलकम टू कॉग्निटो प्लेटफॉर्म। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि वॉइस क्या है, किस तरीके से हम समझते हैं और एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई और इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप का पैसिव आपको बनाना बता रही थी और सिखा रही थी। इससे रिलेटेड मैंने 4 to 5 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी कराई थी। तो चलिए आज हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन पर लिख करके आपको जो जिस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइएगा, मैं उसे कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि मैम मोटिवेट नहीं करती हैं स्टूडेंट्स को। तो देखिए गाइज, पहली बात तो ये कि मोटिवेशन आपको टीचर करे, ठीक है, या ना करे, आपका मोटिवेशन 2 टाइप्स के होते हैं ना। एक मोटिवेशन ऐसा होता है जो कोई आकर के 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे आपको बोलता है कि आप पढ़िए, ये बड़ी बड़ी लाइंस बताता है। तो मैं थोड़ा उन चीज़ों के फेवर में इसलिए नहीं रहती हूँ, क्योंकि जो आपका इनर मोटिवेशन होता है ना, वो आपको आगे ले जाता है। आप, मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, मोटिवेशन की वीडियोस होती हैं, वो जिसमें देखने के बाद 5 to 10 मिनट्स में बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और फिर उस दिन तो पूछो नहीं, ठीक है, बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं। बट ऐसा क्यों होता है आपको पता है? ऐसा सिर्फ आपके साथ 10 मिनट्स या फिर हो सकता है पूरे एक दिन हो, ठीक है, लेकिन जो आपके अंदर के आपका अपना इनर मोटिवेशन होता है ना, वो आपको बहुत आगे ले जाता है, क्योंकि आप खुद से मोटिवेट होते हो, ठीक है। तो आपको ये करना है कि अपनी प्रिपरेशन को कैसे अच्छा बनाना है, इसके लिए आप खुद सोचिए। टीचर आपको गाइड कर सकता है, आपको बता सकता है। तो चलिए ये सब छोड़ते हैं। तो सबसे पहले अपने डायरेक्शन, आपने अगर कोई गोल बना के रखा है, ठीक है, तो उसके पीछे लग जाइए। ये नहीं कि मुझे कोई मोटिवेट कर दे, कोई टीचर आए आपको आकर के आपके लिए अलग से कोई वीडियो बनाए, ठीक है। तो पहली चीज, आप खुद सोचिए आपको करना क्या है, कैसे। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए मैं हूँ। अगर इंग्लिश में कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक्स को अगर मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर बोर्ड में, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप डिस्कस करिए, आप कमेंट सेक्शन पर लिखिए और मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि नहीं, जेन्युइनली आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये सारी बातें नहीं, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ के आ रहे थे, वॉइस पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव को पैसिव में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैसिव को एक्टिव में, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना आता ही है। और हर एक एग्जाम्स में अगर आप कोशिश कर रहे हैं, किसकी, आप KVS, NVS, DSSP, TET, सुपर टेट, TGT, PGT, ठीक है, सारे पेपर्स में आपके ये जो वॉइस है ना, वॉइस सेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन टैक्स आते ही आते हैं। तो देखिए, अब हम लोग क्या बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, जिसमें मैं बताऊंगी आपको इनडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। तो ये मैंने आपको प्रोनाउन के सेक्शन में क्लियर किया है कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते क्या है, ठीक है। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सब क्या है आपके, इनडेफिनिट प्रोनाउंस है। और फिर उसके बाद क्या है कि जब हम इनको पैसिव में चेंज करते हैं तो ये नेसेसरी नहीं है कि हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस को लिखें। क्या मैंने बोला कि जब हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस की बात करते हैं तो अगर किसी सेंटेंस में ये लिखे इनडेफिनिट प्रोनाउन लिखा हुआ है, ठीक है, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, ठीक है, अगर ऐसे प्रोनाउंस दिए हुए हैं गाइस, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उनको क्या करिए, आप उनको ऑब्जेक्ट फॉर्म पे लिखिए। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड बाय समबडी, ठीक है। फिर से मैं समझाती हूँ कि अगर देखिए, मैंने आपको क्या बताया, एक जनरल रूल मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर लिखा है समबडी हैज पिक्ड माय पॉकेट, Somebody has picked my pocket, तो ऐसे हम करते हैं। मैंने आपको रूल्स बताए थे कि जब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये हमारा मेन वर्ब है, और ये क्या है हमारा, ठीक है, माई पॉकेट, तो ये तो आपको पता ही है, ये आपका एडजेक्टिव है, वो भी कौन सा एडजेक्टिव है बता देंगे आप लोग, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और फिर पॉकेट क्या है, ये पॉकेट आपका नाउन है, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या होगा आपका, ये जो सब्जेक्ट होगा ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, सब्जेक्ट बनता है। तो ये आपको सारे ऐसे बेसिक रूल्स पता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, Somebody has picked my pocket, तो क्या होगा, my pocket
माई पॉकेट अब हैज है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी मान लीजिए परफेक्ट है तो परफेक्ट टेंस परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, बीन में। ठीक है, तो ये मैंने आपको रूल्स में बताया है टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, कैसे हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माई पॉकेट, तो हैज लिखा है तो हैज लिख देंगे। ठीक है, लिखा है हैज लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बीन, हैज बीन, माई पॉकेट हैज बीन। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि इसी इसमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो क्या है, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, क्या होगा, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, बाई समबडी, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये गलत है, पिक्ड बाई समबडी, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि ये बिल्कुल मिस आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। तो ये मैं बताऊंगी यहाँ पर कि यहाँ पे जो बाई समबडी आप लिखते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। ठीक है, तो इसमें बाई समबडी लगाने की, यानी अगर इनडेफिनेट प्रोनाउंस आते हैं तो आपको उसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और वैसे भी एग्जाम्स में आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो बाई समबडी लिखा भी नहीं होता है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने तो ये बताया नहीं, ऐसा रूल डिस्कस ही नहीं किया। तो मैं आपसे ये बता दे रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और यहाँ पे सबसे पहले देखिए फिर से समझते हैं। देखिए ये हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस दी, मैंने कहा ये इनडेफिनेट रूल, देखिए समझिए, इनडेफिनेट प्रोनाउन दिए होने पर ये नेसेसरी नहीं है कि आप उनको पैसिव वॉइस में चेंज करो, यानी इनडेफिनेट प्रोनाउंस को पैसिव वॉइस में यूज करो। ठीक है, अब समझ आ गया, फिर से देखिए, इनडेफिनेट प्रोनाउंस दिए होने पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आपके लिए कि आप उन्हें, यानी इनडेफिनेट प्रोनाउंस को पैसिव वॉइस में लिखो। ठीक है, तो वही तो मैंने किया, समबडी हैज पिक्ड माई पॉकेट लिखा हुआ था, मैंने क्या किया, माई पॉकेट, क्या लिखा, माई पॉकेट। अब टेंसेस में चेंज करेंगे, हैज हो गया, फिर मैंने ये बताया था कि परफेक्ट जो होता है उसकी लास्ट में वो वही टेंस होगा, लेकिन बीन लग जाएगा, Has been. वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है, ये मैंने लिखा, पिक्ड होगा, फिर उसके बाद बाई समबडी मैंने लिख दिया। तो मैंने कहा ये जरूरी नहीं है कि आप इसे लिखिए, तो इसलिए ये आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, PICKED है ये। ठीक है, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, बस यही है कि ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस ये इनडेफिनेट प्रोनाउन दिया हुआ है ना आपका, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, ऐसे अगर प्रोनाउंस दिए होंगे तो आपको क्या करना है, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे, यानी इसका जो है पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम आप बाई लगा के इसे नहीं लिखेंगे, या इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट सून, तो आपको पता है कि क्या दिया हुआ है, दे विल डिक्लेयर। अब यहाँ पे बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इनडेफिनेट तो है नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए आपको ये समझ में आ रहा है ना, ये क्लियर हो रहा है कि रिजल्ट हमारा कोई डिक्लेयर करेगा। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें इसमें बाई देम लगाए, अगर आपने लगा दिया है तो ये भी ये सही है, गलत नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, द रिजल्ट, अगर यहाँ पर आप बाई देम लिख रहे हैं तो सही है, लेकिन देखिए ऐसे भी समझ में आ रहा है कि रिजल्ट को क्या किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा, तो कौन करेगा, ठीक है, जो कमिटी होगी या फिर जो पर्टिकुलर जो पैनल होगा या जो एग्जामिनर होंगे। ठीक है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, अगर यहाँ बाई देम लगाते हैं तो फिर भी सही है, नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड है, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है, समबडी, ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है, समबडी हैज पिक्ड माई पॉकेट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड करेंगे, और ये बिल्कुल सही होगा, इसमें बाई समबडी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे भी देखिए, दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट सून, तो अब यहाँ पे ये भी दे अंडरस्टूड है, आपको इसे भी बाई देम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो क्या है, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड सून। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नो बडी कैन चेंज डेस्टिनी, नो बडी कैन चेंज डेस्टिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखिए अगर आपका कोई भी सेंटेंस, मैंने क्या बताया, समबडी, एवरीबडी, नो बडी, ठीक है, ऐसे अगर इंडेफिनेट प्रोनाउंस दिए होंगे तो यहाँ पर भी तो नो बडी है, और ये जो सेंटेंस है आपका नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है,
ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो इसके लिए क्या है, देखिए क्या लिखा है मैंने, बिगिनिंग विद नेगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर ये नेगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो इट मीन सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन टैक्स में बताया था कि नोबडी दिया है, मान लीजिए अगर नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी लिखा है, अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो कुछ लोग कैसे कर देंगे, कांट दे, क्या करेंगे, कांट दे, और जिसने भी कांट दे कर दिया उसका बिल्कुल गलत है, उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नोबडी आपको क्या बता रहा है, नोबडी, अगर नोबडी लिखा हुआ है तो नोबडी का हो जाएगा ये ऑलरेडी आपका नेगेटिव है। और मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन टैग्स की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन टैग्स हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांट दे नहीं होगा, कैन दे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव में भी यही रूल लगना है, पैसिव अगर जिसने क्वेश्चन टैग्स के बारे में नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अब नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी, अगर हमें इसका पैसिव चेंज करना है यानी इसका पैसिव बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे, क्लियर हुआ, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, क्योंकि ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है जब आप इसे पैसिव में बनाओगे। और गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके किसी ना किसी एग्जाम, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ऐसे क्वेश्चंस रखे हो, ठीक है। क्या लिखा है, नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज, और जिसने लिख दिया कैन बी चेंज, ठीक है, उसका गलत हो जाएगा। फिर ये सेंटेंस उनका गलत होगा, फिर आप बोलोगे नहीं मैंने तो बिल्कुल सही किया है, और ऑप्शंस में होगा कैन नॉट भी दिया होगा, कैन भी दिया, कैन बी भी दिया होगा, ठीक है। तो आपको समझना है क्योंकि मैं डिस्कस कर दे रही हूँ कि नोबडी दिया है यानी एक नेगेटिव सेंटेंस है, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसका अगर पैसिव बनाएंगे तो हम नेगेटिव में ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट रूल्स के बारे में, लेकिन नेक्स्ट रूल्स के बारे में पढ़ने से पहले एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में भागने से अच्छा है कि थोड़ा सा देर में ही लेकिन क्लियर हो जाए। तो चलिए, मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला आपसे कि अगर इनडेफिनेट प्रोनाउंस दिए हुए हों, ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस दिए हों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो अगर इनडेफिनेट प्रोनाउंस आने पर ये जरूरी नहीं है कि आप उन इनडेफिनेट प्रोनाउंस को पैसिव में लिखो, ठीक है। क्या बताया, इनडेफिनेट प्रोनाउंस को जरूरी नहीं है कि आप उन्हें पैसिव में लिखिए। अब बोलेंगे मैम कैसे, तो ये मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है, ये 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और इन्हें हम लोग समझते हैं कि समबडी हैज, यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, इनडेफिनेट प्रोनाउंस और वेग, ठीक है, यू है, तो क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है, समबडी देखिए दिया हुआ है, तो समबडी है तो ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो इससे मैंने क्या किया हैज बीन पिक्ड बाय समबडी मैंने नहीं किया है, ठीक है, बाय समबडी मैंने नहीं लिखा है। इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप इंडेफिनेट प्रोनाउंस को आप लिखें, ठीक है, और पैसिव में चेंज करते टाइप, तो क्या हो जाएगा, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। फिर उसके बाद ये लिखा है नो बडी कैन चेंज डेस्टिनी, अब नो बडी कैन चेंज डेस्टिनी दिया हुआ है तो देखिए क्या है, नो बडी है, ये आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है। अगर आपका ये सेंटेंस नेगेटिव है गाइस, तो नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव भी तो आप नेगेटिव में करोगे ना कि पॉजिटिव में कर दोगे, तो पॉजिटिव में तो करोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, डेस्टिनी अगर आपने कैन भी कर दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या है, द रिजल्ट, दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट सून, दे विल डिक्लेयर, तो आपको पता है कि आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा, जरूरी नहीं आप दे लिखिए या बाई देम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट सून दिया हुआ है तो क्या होगा, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर सून, क्लियर हो गया। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेफिनेट प्रोनाउंस के वेग के मैंने कुछ अच्छे से सेंटेंसेस लिखे हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर भी एक और भी जरूरी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है बोर्ड में लिखने में, नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कॉग्निटो के ऐप में आप जो नोट्स, ठीक है, नोट सेक्शन पे आप जाइएगा, उसमें इंग्लिश ग्रामर की नोट्स हैं, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे रिलेटेड आप रूल्स और सेंटेंसेस को देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, एक नया रूल है यानी एक न्यू रूल हम लोग पढ़ेंगे, क्या है, वर्ब विद 2 ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए एक सेंटेंस या एक्टिव वॉइस में आपको
टू ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर आपको एक्टिव वॉइस में मिलते हैं तो उनका अगर आपको पैसिव बनाना है तो आप क्या करोगे, आप कैसे समझोगे? देखिए, मैंने लिखा है वर्क विद टू ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे पैसिव कैन बी मेड विद आइदर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप पैसिव, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनका पैसिव किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आप सब्जेक्ट बनाकर कर सकते हो। तो क्या मैंने बताया कि अगर वर्ब आपके, मान लीजिए अगर किसी भी सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स दिए हों, टू ऑब्जेक्ट्स दिए होने पर उनका पैसिव हमें बनाना होता है, तो हम पैसिव बना सकते हैं किसी को भी ऑब्जेक्ट मान करके, ठीक है। और आपको मैंने ये वर्ब के सेक्शन में पढ़ाया था कि जो वर्ब्स होती हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट्स कैसे हम जानते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में हो सकता है या तो एक ऑब्जेक्ट दिया हो या हो सकता है टू ऑब्जेक्ट्स दिए हो, ठीक है। एक आपका ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो यहां पर क्या है आपका, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ही गेव मी अ बुक, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका कौन सा है, ठीक है, ये टू ऑब्जेक्ट्स दिए होने पर फर्स्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेकंड। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आपका कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट। और फिर मैंने आपको बताया भी था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट का, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं किसका, होम का, ठीक है। तो हम ये समझ जाएंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो गेव है, गेव से हमने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट, 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 क्या। तो ये क्या हो गया आपका, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। किसको, होम का जब हमने क्वेश्चन पूछा तो हमें मिला क्या, मी, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो समझ में आया, ये तो रही हमारी वर्ब की बात। अब चलिए हम पैसिव में समझते हैं। तो देखिए, पैसिव में करने के लिए हमें ये समझना होगा कि आप किसी को भी, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना करके कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ये मतलब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। और दूसरी चीज क्या है, एग्जाम्स में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, तो आप ऑप्शंस में देखिएगा किसके अकॉर्डिंग किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ही गेव मी अ बुक, तो चलिए मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाकर करती हूँ, अ बुक, अ बुक, गेव है, यानी ये कौन सा टेंस है, ये आपका है पास्ट इनडेफिनेट टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट इनडेफिनेट। पास्ट इनडेफिनेट किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। अब ये आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा, अ बुक वॉज गिवेन, अ बुक वॉज गिवेन, ठीक है, अ बुक वॉज गिवेन टू मी, गिवेन टू मी बाई हिम, बाई हिम, क्लियर हो गया, अ बुक वॉज गिवेन टू मी बाई हिम। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, आई, ठीक है, आप इसे, ये जो आप ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आप इसे भी सब्जेक्ट बना के कर सकते हो, ठीक है, आई आप इसे सब्जेक्ट बना के कर सकते हैं। और सुनिए, ये हुआ आपका फर्स्ट, सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए, ठीक है, अ बुक वॉज गिवेन टू मी बाई हिम, क्लियर हुआ। आई को सब्जेक्ट मान के करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो रूल्स में जो मैंने रूल लिखा था यही तो लिखा है, क्या है, वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स, यानी अगर जो है आपके सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, वर्ब के साथ टू ऑब्जेक्ट दिए होंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कैसे चेंज करते हो। आप या तो इसे ऑब्जेक्ट मान करके चेंज कर सकते हो, या फिर ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इजी हो गया ना, अ बुक वॉज गिवेन टू मी बाई हिम, फिर यहाँ पे क्या है, आई वॉज गिवेन अ बुक बाई हिम, ठीक है, क्लियर हो गया। आई यहाँ पे क्या, आई, फिर उसके बाद ये आपको पता है कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। और ये नहीं है कि अब मैम आईएनजी क्यों नहीं लगा, क्योंकि पैसिव में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज गिवेन अ बुक बाय हिम, आई वॉज गिवेन अ बुक बाय हिम, ही के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, हिम कर दिया, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव हिम हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, बाय इज नॉट यूज विद सर्टेन वर्ब्स। देखिए वैसे मैंने आपको क्या बताया कि जब आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करोगे तो आप बाय का यूज करोगे, ठीक है, आप बाय लगाओगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाय लगाना है।
आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो आप बता रही हैं कि बाई नहीं यूज करेंगे कुछ वर्ब्स के साथ, आपको बाई नहीं यूज करना है। तो जब मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ा रही थी उस टाइम मैंने कुछ सर्टेन कुछ वर्ब्स बताए थे, फिर मैंने कहा था इनके साथ आपको एट लगाना है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको क्लियर की थी। बट ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूज करेगा, आप समझिए, कोशिश करिए समझने की, ठीक है। अगर मैंने ये बोला कि बाई इज नॉट यूज विद सर्टेन वर्ब्स, सर्टेन वर्ब्स के साथ बाई नहीं यूज होगा, तो हम बोलोगे आप क्या यूज करेंगे मैम, फिर हम क्या यूज करेंगे, वी यूज एट विद इन टू, ठीक है। हम उसमें हम क्या कर सकते हैं, बाई के प्लेस पर एट यूज कर सकते हैं, इन यूज कर सकते हैं, टू यूज कर सकते हैं, विद यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू वर्ब्स होगा गाइज, आप वर्ब्स को देखोगे और पढ़ोगे समझोगे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब सरप्राइज के साथ क्या है, बाई तो लगता नहीं, एट लगता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मैंने ये टू सेंटेंसेस लिखे हैं, आई नो हिम, ठीक है, आई नो हिम। सेकेंड हमारा है हर सडन अराइवल सरप्राइज मी, हर सडन अराइवल सरप्राइज मी। तो देखिए रूल्स आपको सारे क्लियर हैं, आपको अच्छे से पता है कि कैसे किस तरह से हमें चेंज करना है पैसिव में। तो जब ये आपको पता है तो बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग लगाइए आई नो हिम, फिर क्या हर सडन अराइवल सरप्राइज मी, तो इनको आप पैसिव में चेंज करिए। और पैसिव में चेंज करने के बाद देखिए जो मैंने जिस तरह से चेंज किया है, ठीक है। और ये रूल मैंने आपको बताया बाई इज नॉट यूज विद सर्टेन वर्ब्स की, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ आपको बाई यूज नहीं करना है। अब बोलोगे मैम बाई नहीं यूज करेंगे, तो फिर मैंने कहा सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ो, ठीक है, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। आई नो हिम लिखा है, आई नो हिम, ठीक है, तो आपने ये किया ही होगा, तो क्या हो जाएगा, ही इज, ही नो लिखा है ना। तो देखिए सबसे पहले वो टेंस देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, ठीक है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। अब ये बार बार मैं इसलिए बोलती हूँ, बार बार मैं लिखती भी, इसमें आपको तैयार हो जाए, आपको समझ आ जाए, ठीक है। अदरवाइज कोई नीड नहीं है कि मैं यहाँ पे बार बार बोलूँ प्रेजेंट इनडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, फिर यहाँ पे पास्ट है पास्ट में चेंज होगा, ठीक है, इसकी कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे क्या, आई नो हिम लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी क्या, इज एम आर, यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग हम करेंगे ही इज। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ही इज नोन, क्या हो जाएगा, ही इज नोन, ही इज नोन। बाय मी से अच्छा है आप यहां लिखिए नोन टू मी, ठीक है, ही इज नोन टू मी। आप समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं यही बोलना चाह रही थी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ आपको बाई ना यूज करके आपको उसे पढ़ना है, पढ़ करके समझना है। क्योंकि जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया स्टार्टिंग में, मैं स्टार्ट कर सकती थी अपने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको एक्टिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग्स बता सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं बताया। क्यों, बिकॉज ऑफ दैट कि आपको ये समझ में आ जाए सब्जेक्ट्स क्या है, वर्ब क्या है, कैसे चेंज करते हैं, कैसे सेकेंड फॉर्म बनती है, कैसे थर्ड फॉर्म बनाते हैं, और कौन से रेगुलर वर्ब्स होती है, इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, कैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको मैंने इससे प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप स्टेप बाय स्टेप करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़िए, समझिए, फिर भी अगर कंफ्यूजन होती है तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी कंफ्यूजन सॉल्व हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ही इज नोन टू मी हो जाएगा, फिर क्या, हर सडन अराइवल सरप्राइज मी, क्या लिखा है, हर सडन अराइवल सरप्राइज मी। अब क्या हम कैसे करेंगे, आई हमारा ऑब्जेक्ट है, अब हम इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे आई, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है, तो देखिए ये हमारी वर्ब की, ठीक है, ये हमारा टेंस कौन सा है, ये हमारा पास्ट है, ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट है। पास्ट इनडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट इनडेफिनिट आपका पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, किस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। जब ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा तो बिल्कुल आसान सा हो गया, ठीक है, आई आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज सरप्राइज। अब सरप्राइज के साथ क्या लगाएंगे, एट, ठीक है, आई वॉज सरप्राइज At, I was surprised at her sudden arrival. S U double D E N है, sudden arrival.
ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई वॉज सरप्राइज रहा, बाई भी लिख सकते थे, लेकिन आपको मैंने अभी बताया कि आपको सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना है और पढ़ करके देखना है कि कैसे हम किन के साथ एट या बाई का सरप्राइज एट होता है। ठीक है, नो टू होगा तो कैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज सरप्राइज एट हर सडन अराइवल। क्लियर हो गया, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी रूल्स मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और एक बात और है जो आपसे डिस्कस करनी है, देखिए बार बार भी मैंने शायद स्टार्टिंग में जब मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया था तो मैंने ये बताया था कि आपको स्टडी स्मार्ट स्टडी करना है। ऐसा नहीं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो 4 to 5 आवर्स पढ़ रहे हैं, 4 to 5 तो फिलहाल कुछ नहीं है, आप मान लीजिए 6 to 7 आवर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर इतना कह दीजिए 5 to 6 आवर्स, 7 आवर 8 आवर आप पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में कुछ स्टूडेंट्स आकर के डिस्कस करते हैं, मैम मैंने बहुत पढ़ाई की फिर भी इंग्लिश में मुझे बहुत ही कम मार्क्स मिले। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपको ये समझ ही में नहीं आ रहा है आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, और किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, किसे एक्सक्लूड करना है, मतलब किन चीज़ों को पढ़ना है और किस टॉपिक को कैसे हटाना है, कितना पढ़ना है। अब एक्टिव वॉइस में घुस गए तो इतना घुस गए कि बैठ करके 7 to 8 आवर्स बस एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं, या फिर 1 मंथ पूरा एक्टिव पैसिव ही पढ़ते जा रहे हैं। तो नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसीलिए मैंने कहा ना कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, और स्मार्ट स्टडी कैसे करनी, कोई टॉपिक आपको बताया गया है आप उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करिए। आपको और भी प्रैक्टिस पेपर्स देखने, आप कॉग्निटो के ऐप पर जाइए, और भी आप, ऐसा नहीं है आपके लिए यही ऐप है, आप और भी रिसोर्सेज जो आपके पास बुक्स हैं आप उनकी हेल्प लीजिए, समझिए। कोई कंफ्यूजन होती है टीचर से डिस्कस करिए। मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप उतर करके आप ये भी लो, इनका भी देख लें, इनका भी देख लें, इसे भी पढ़ लें। अगर आप ऐसे अपना डिवीजन करते हैं तो फिर आपका तो भगवान ही मालिक है। हाँ चलो, लेकिन ये सब समझना है, डिस्कस करना है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछिए। ठीक है, और अभी फिलहाल एक्टिव पैसिव खत्म नहीं हुआ, अब हम लोग इन्फिनिटिव पढ़ेंगे। ठीक है, इन्फिनिटिव के बारे में जानेंगे कैसे हम समझते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।